पर हमने उन्ना पीड़िता के लिए आज एक संघर्ष किया था, प्रदर्शन किया था, जिसमें हम भाजपा सरकार को ये बताना चाह रहे थे कि आपकी जो सरकार की नीतियां हैं और आपके जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन्हीं पर आरोप है और ये कैसी बलात्कारियों की सरकार चल रही है, उसके खिलाफ हमने एक प्रदर्शन किया था। लेकिन प्रशासन ने अपना पूरा बल सर लगाकर उसको होने नहीं दिया, पुतले को दहन नहीं करने दिया। ये सरासर गलत है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पर हमें राइट है विरोध करने का। हम किसी भी सरकार का विरोध कर सकते हैं खुलकर, लेकिन वो हमें करने नहीं दिया जाता। एक तरीके से ये तानाशाही का शासन है जो कि योगी जी और मोदी जी पूरे देश में प्रदेश में फैला रहे हैं। उन्नाव में इतनी दर्दनाक घटना घटित हुई है जिसमें ये प्रदेश सरकार विफल हो रही है। अभी हमने ये भी सुना है कि क्या बोलते हैं, लखनऊ में भी एक ऐसी बलात्कार की घटना सामने आई है कल, और आज भी जो है लखीमपुर खीरी में एक लड़की कॉलेज के बाद उठाई गई है और उसका भी यही अंदेशा है कि उसके साथ बलात्कार करके जो है उन्हें जलाया गया है, जो बहुत ही दुखद है। यह प्रदेश सरकार जो है सुरक्षा मुहैया करा पाने में विफल है। और आज अलीगढ़ युवा कांग्रेस ने एक कार्यक्रम किया, माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी जो मुख्यमंत्री हैं, जो वादे करते हैं महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का, वो विफल हैं हर मोर्चे से। उनका आज हमने पुतला जो है फूंकना था हमें, लेकिन आज जबरन यहाँ जिला अलीगढ़ की प्रशासन ने तमाम चाहे यहाँ के जो भी अधिकारी हों, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स का बल का प्रयोग करके हम लोगों को ढकेलने का कार्य किया। युवाओं के ऊपर जो है इन्होंने हाथापाई करी, जिसमें हमारे कार्यकर्ता भी जो है लघु लुहान हुआ। पुतला दहन की तैयारी में थे तो अभी शाम को 5:30 बजे करीब करीब वो यहाँ पे आए, तो पुलिस ने उनको रोका और समझाया बुझाया, जिसको मान के वो चले गए। सर, ये पुतला फूंकना भी चाह रहे थे? हाँ, पुतला फूंकने की उनकी तैयारी थी, लेकिन हम लोगों ने उनको समझाया बुझाया और उनसे बात की, जिसके बाद वो चले गए। सर, इन्होंने किस लिए प्रदर्शन किया गया? कुछ घटनाओं को लेके प्रदर्शन करना चाह रहे हैं।